हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज बताऊंगा मैं कि आप अपने MI1 फ़ोन के अंदर जो रूट करते हो तो परमानेंट TWRP कैसे इंस्टॉल करोगे। कई बार होता है आपके पास कहीं बाहर होंगे या कोई रोम इंस्टॉल करना होता है तो PC की ज़रूरत पड़ता है। अगर आप परमानेंट TWRP इंस्टॉल करेंगे तो आपको PC की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आपको कहीं भी पेन ड्राइव के थ्रू या फ़ोन के मेमोरी के थ्रू आप डाटा यानी कि रोम वगैरह फ्लैश कर सकते हो, कई सारे चीज़ फ्लैश कर सकते हो विदाउट PC। तो इसके लिए आपको परमानेंट TWRP इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फास्ट बूट मोड पे हूँ। अगर मेरा पास जो परमानेंट TWRP होगा तो यहाँ पे अगर मैं इसको पावर बटन और वॉल्यूम ऑफ बटन को प्रेस करता रहूँगा तो उसके ऊपर ऑप्शन चला जाएगा यानी कि TWRP चला जाएगा। बट अभी ये ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे देखिए फास्ट बूट मोड में है, तो मुझे अगर रन करना होगा TWRP के अंदर जाना है तो मुझे करने के लिए मुझे PC की ज़रूरत पड़ेगा, वन टाइम PC की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे कमांड रन करूँगा तभी जाके वो उसके अंदर जाएगा। फिर उसके बाद मैं अपने पेन ड्राइव के अंदर वो जो परमानेंट इंस्टॉलर जो TWRP का वो फाइल रखा हुआ है तो उसको इसके अंदर फ्लैश कर दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं फ़ोन रिबूट करूंगा तो उसके अंदर ये शो कर जाएगा। फ़ोन को फास्ट बूट मोड में लेके यहाँ पे डाटा केबल को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद एक साइड में रख देते हैं। अब जाते हैं कमांड में। ये जो है मेरा प्लेटफॉर्म टूल है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ओके, इसके अंदर मैं यहीं पे क्लिक करके मैं CMD इसको क्लिक करके एंटर कर दूंगा तो कमांड विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर मुझे टाइप करना है फास्ट बूट डिवाइसेस। यहाँ पे देखिए मेरे डिवाइस का नंबर आ गया और फास्ट बूट आ गया। तो यहाँ पर मुझे और एक कमांड रन करना है फास्ट बूट। बूट करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँगा साइड में ताकि इसके अंदर एक इमेज फाइल जो है रिकवरी का, जो इसके अंदर इमेज फाइल पड़ा है तो इसी रिकवरी फाइल को यहाँ ड्रैग करके इसके साथ ही यहाँ पे छोड़ दूंगा। जैसे यहाँ पे आ गया तो मुझे एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ बूट ओके, बूटिंग ओके, साथ में फास्ट बूट फिनिश हो गया। तो यहाँ पे ये TWRP मोड में अभी चला जाएगा। ठीक है, ये चला जाने के बाद मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैं चला जाता हूँ, एक सेकेंड, मेरी इस पेन ड्राइव के अंदर मैंने वो फाइल लगा रखा हूँ तो इसके अंदर जाता हूँ। मैं इस फाइल को यहाँ पहले कनेक्ट कर देता हूँ OTG के थ्रू। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने क्या करूँगा, परमानेंट TWRP इंस्टॉल करूँगा। इसके अंदर पड़ा हुआ है तो मैंने माउंट पे जाता हूँ। जैसे माउंट पे गया यहाँ सिस्टम USB OTG बैक कर गया। जब मैं इंस्टॉल पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये USB ऑलरेडी सिलेक्ट स्टोरेज के अंदर ये USB स्टोरेज मैंने सिलेक्ट कर रखा हूँ तो ओके आप कर देना, अगर उस पर नहीं हुआ तो सिलेक्ट कर देना। यहाँ पर TWRP इंस्टॉलर हो जीप हो रखा है, इसको सिंगल क्लिक करके एक बार स्वाइप करना है। ये आपके यहाँ पे देखिए परमानेंट इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपको हटाना होगा, आप जब रिटर्न करेंगे यानी रूट से यानी कि स्टेबल को आएंगे यानी स्टॉक एंड्रॉयड को आएंगे तो उस टाइम ही ऑटोमेटिक हट जाएगा। लेकिन ये रहने से आपको काफ़ी काम देता है कि हर बार आपको PC की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये होने के बाद बैक कर जाइए, ये हो गया। यहाँ रिबूट कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए रिबूट। तो रिबूट के बाद मैंने आपको एक बार आपको रिकवरी पे क्लिक कर देता हूँ तो वापस इसी में आ जाएगा TWRP में। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए यानी कि विदाउट कंप्यूटर मैंने यहाँ पे TWRP जो कि परमानेंट इंस्टॉल किया था तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप का आप यहाँ पे जाके कोई भी फाइल को रन कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। कोई रोम वगैरह इंस्टॉल करना होता है तो बड़े आसानी से हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसी के थ्रू ये पिक्सेल एक्सपेरियंस T-Shot का मैंने फ्लैश किया हूँ तो आप इसके थ्रू काफ़ी बढ़िया से कर सकते हैं, आपको विदाउट PC की काम हो जाएगा। तो बस ये था आज का वीडियो, मैं मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।